नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के आगरा से आ रही है। रविवार को भारतीय दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय गांव नागर में किन्नर समाज की प्रीति बाई किन्नर को किन्नर समाज से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच समीना के द्वारा और उसके बाद प्रीति बाई किन्नर ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार लिया। पदभार लेने के बाद कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच समीना, जिला अध्यक्ष महिला मंच आरती यादव का फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई। प्रीति बाई किन्नर ने अपने समाज के लिए आवाज उठाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, मजदूर वर्ग के साथ साथ अपने किन्नर समाज की भी आवाज उठाऊंगी। उनकी हर समस्या और सुख दुख में साथ देने के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों ना लगाना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला ने हमें आज इस काबिल समझा कि हमें पूरे प्रदेश का भार दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच समीना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला ने प्रीति बाई किन्नर को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। BNY न्यूज के लिए आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। बॉबी गोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मामला है? जैसा कि आज हमने अपने कार्यालय पर प्रीति बाई किन्नर जी को प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज के लिए नियुक्त किया है और उनसे अनुरोध की जा रही है कि पूरे प्रदेश में जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए उनकी समस्याओं को सुने और हर संभव मदद करें उनकी, और पूरी प्रदेश कमेटी तैयार करें जल्द से जल्द, और जो भी समस्या आती है आप हमें बताइए, हम उनके लिए हमेशा तैयार खड़े हुए हैं। इसी को लेकर आज इनकी नियुक्ति की गई है। मेरा नाम समीना उस्मानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग संगठन से। तो यहाँ पर स्वागत हुआ है, किस चीज़ को लेकर स्वागत हुआ है? आज हम प्रीति जी जो किन्नर समाज से हैं इनको आज हमने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दी है और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे प्रदेश को खूब पाक खूबी संभालेंगी।